नमस्कार, जोहार आदाब, में हूँ आपका जाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज। कहते हैं जब राज्य का मुखिया ही अनपढ़ और गवार हो तो छात्रों का भविष्य ऐसे ही अधर में लटका रहता है। आप देख रहे हैं कि तमाम जो है गरीब छात्र आदिवासी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वो आज यहाँ पर बेबस होकर के इस जगह पर बैठे हुए धरने पर। आखिर क्यों? जब शिक्षा मंत्री ही अनपढ़ गवार हो तो उसको शिक्षा का क्या महत्व होता है? आप समझ सकते हैं शिक्षा क्या क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है? इन चेहरों को देखने का प्रयास कीजिए। तमाम जो चेहरे आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर जो धरने पर बैठे हैं, आखिर क्यों? इन्हें ना नौकरी चाहिए, ना इन्हें क्या कहते हैं पैसा चाहिए, इन्हें एक चीज़ चाहिए, वो शिक्षा। वादा किया था कल्याण विभाग ने, एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था इन छात्रों का और कक्षा 6 में इन तमाम छात्रों का नामांकन लिया था। कोरोना का हवाला दे करके छात्रों का जीवन जो है वो अंधेरा में डाल दिया गया है। आश्वासन दिया गया था काठीकोण बीओ के द्वारा कि जुलाई से सेशन चालू हो गया, तमाम ये जो छात्र जो हैं उन्हें स्कूल भेजा जाएगा, उसकी पढ़ाई चालू होगी। लेकिन आज अभी पर्व का मौसम है और ये समय सितंबर आ गया है, ना इस बच्चे का क्या भविष्य होगा आगे, इसका देखने वाला, इसका लेखा जोखा लेने वाला कोई नहीं। किससे ये शिकायत करें? आज ये लोग मजबूरी में जिला मुख्यालय आकर के यहाँ पर समाहरणालय के नज़दीक में आज धरना दे रहे हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि तमाम जो छात्र यहाँ बैठे हुए हैं कब वो लोग धरना एग्ज़ाम दिए और क्यों नहीं आखिर उस लोगों का एडमिशन हो पाया और क्यों नहीं अभी तक वो लोग पढ़ाई कर पाए। तो आप पहले ये बताइए कि आपका नाम क्या हुआ? सर, मेरा नाम दीपक हजदा हुआ सर, हम लोढ़िया से हैं सर, रामगढ़ प्रखंड से। तो आप लोग जो एग्ज़ाम दिए थे, कहाँ पर आप लोग एग्ज़ाम का सेंटर पढ़ा था? सर, दुमका में कुरवा में पढ़ा था। तो ये एग्ज़ाम जो दिए तो उसके लिए फॉर्म वगैरह कहाँ से भरे थे? फॉर्म तो सर प्रखंड में, प्रखंड से दिए थे सर। 1-5 कहाँ पर पढ़ाई किए थे? प्रखंड के स्कूल में। हाँ सर। तो उसके बाद क्या कहा गया था कि एग्ज़ाम दीजिए तो कहाँ आप लोग का एडमिशन होगा, क्या बोला गया था? एग्ज़ाम दीजिए तो सर एकलव्य आवासीय मॉडल स्कूल में हो जाएगा, फिटकोरिया में। तो अभी तो जुलाई चल रहा है। तो एग्ज़ाम दिया हुआ कितना दिन हुआ, जब ये इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया उसका कितना साल हुआ, कितना दिन हो गया? सर 2 साल से अधिक हो गया। कभी वो स्कूल घुसे, उसके कक्षा में घुसे, कैसा पढ़ाई होता है, क्या होता है, ऐसा कुछ हुआ? एडमिशन ही नहीं हुआ तो घुसेंगे कहाँ से? खाली एग्ज़ाम हुआ, एडमिट कार्ड वगैरह था ही आप लोग पास? हाँ सर है। तो आप लोग बोला गया पिटकोरिया में एक स्कूल है, वहाँ वहीं पर पढ़ना है, एग्ज़ाम दे दीजिए। तो कहीं गए ना पिटकोरिया घूमने के लिए? हाँ तो सर गए थे। तो कहीं स्कूल वगैरह नज़र आ रहा है? नज़र तो आ रहा है। वहाँ प्रिंसिपल वगैरह से मिले कि नहीं, एडमिशन लीजिए सर हम लोग? कोई था ही नहीं। तो देखिए पूरे झारखंड में दो ही चीज़ बना है, आप लोग बता देते हैं, जहाँ तहाँ बिल्डिंग और दूसरा यहाँ झारखंड का जनता मूर्ख, ये दो ही काम हो रहा है पूरे झारखंड में। बिल्डिंग तो बोल जाता है लेकिन शिक्षक नहीं होने के कारण पढ़ाई नहीं होती। अच्छा ये बताइए, उसके बाद बीओ मैडम लोग से मिले, जो एग्ज़ाम लिया, जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया, उन लोग से मिले कि हमारी पढ़ाई कैसी होगी? सर मिले तो सही है लेकिन बोल रहा था कुछ जुलाई में होगा, तो अभी तो अक्टूबर चल रहा है, नहीं सितंबर चल रहा है, सॉरी सर सितंबर खत्म हो गया, सितंबर चल रहा है। तो अभी तो हम लोग धरना कर रहे हैं, तो 2 साल हम लोग का तो व्यर्थ चला गया अब। लेकिन 2 साल में शिक्षा तो नहीं मिला लेकिन उन लोग के लिए गाली अच्छा से मिल गया हम लोग को। मजबूरी है, निकलेगा तो आखिर निकले क्या? 22 साल झारखंड का बना हुआ, अच्छी शिक्षा के लिए यहाँ के बच्चे आज भी दर दर भटक रहे हैं और अभी तक इन बच्चों का नामांकन नहीं हुआ है, जिस कारण से इसकी पढ़ाई जो है वो चालू नहीं हो पाई है। और भी पीछे छात्र लोग हैं, उनसे पूछते हैं उन लोगों का क्या हाल है, आखिर क्यों नहीं हो पाया उन लोगों का एडमिशन और नामांकन। परिमल हेमरोम जी है, एक मासूम बच्चा है, इन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है लेकिन आज ये नामांकन करवाने के लिए भटक रहे हैं। अलग बात है कि तमाम जो मंत्रीगण अपना फॉर्चुनर खरीद लिए हैं, अगला टारगेट उन लोगों का एरोप्लेन खरीदने का हो सकता है, लेकिन बच्चे का भविष्य बनेगा कैसे? क्या नाम बाबू, क्या फिर से नाम बताइए अपना? परिमल हमरा। आपका घर कहाँ हुआ? हेमतपुर। कहाँ है, कौन प्रखंड में? ये ब्लॉक में, कौन सा ब्लॉक में है? जमा। तो क्या बोल के एग्ज़ाम दिया था कि एडमिशन होगा? हाँ एकलव्य स्कूल। एडमिशन हुआ, पढ़ाई चालू हुआ? नहीं। एको दिन स्कूल गया? नहीं। पापा क्या करते हैं? पापा क्या काम करते हैं? खेती। चलिए, इसके पिताजी जो है वो किसान है, चेहरे में मुस्कान है, बहुत मासूम बच्चा है, लेकिन चाहिए तो बस पढ़ाई ही ना, पढ़ाई के लिए ना। तो बच्चे लोग भटक रहे हैं, आ रहे हैं और यहाँ आज धरने बैठे हुए, इसके कुछ अभिभावक भी उनसे हम पूछते हैं कि उन्हें नामांकन हो पाया, क्या आश्वासन दिया गया था,
इस विद्यालय के साथ उस बच्चे के साथ यहाँ पर अभिभावक भी बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की भविष्य की चिंता है और इस अभिभावक का मांग है कि कुछ नहीं चाहिए, हमें अपना बच्चा का अच्छी शिक्षा में दे दे, बाकी चीज़ तो ये लोग खुद छीन के ले लेंगे। बात सही है ना, क्या दिक्कत हो रहा है आप लोग का? दिक्कत एडमिशन का यही दिक्कत है, जबकि 2020-21 में जबकि परीक्षा दिए थे, जबकि हमारा लड़का विकास मरांडी हम लोग पाकुड़ में दिए, जिला तो स्कूल में पाकुड़ जिला से, यहाँ पाकुड़ जिला से साहेबगंज बॉर्डर, वहाँ से आ करके 4-5 दिन हम लोग धरना किए, यहाँ आ करके कल्याण पदाधिकारी के भी भेंट किए, इसके बाद डीसी से भी मेल मिलाप हुआ। उस बार डीसी साहब भी बोले, क्या आप लोग का कोई ठीक है? तो हम लोग बोले हाँ, कोई चिंता मत कीजिए, इस तरह का डीसी साहब हम लोग को बोला। मैंने एडमिशन हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा। तो कहाँ हुआ एडमिशन? करते करते हम लोग 2 बार आ करके जबकि लीलन सोरेन से भी भेंट किए। ललिन सोरेन कौन है? वो विधायक हैं। कहाँ का है? शिकारी पड़ा का। इसके बाद उसके नकल में स्कूल है, तो इसके बाद वीडियो के पास भी हम लोग चला गए, काटिकोण वीडियो के पास। वो भी बोला ठीक है, मैं भी कोशिश करता हूँ, जबकि डीसी को भी उस दिन फ़ोन किया वहीं से। इस तरह का करते करे हम लोग का बहुत बार आना, लेकिन उतना अमीर नौकरी चाकरी आदमी तो हम लोग नहीं हैं, किसी तरह यहाँ आने के लिए भाड़ा किस तरह हम लोग जुगाड़ करके आते हैं, ये हम लोग का बच्चे के भविष्य के लिए। और इतना दिन जबकि 2 साल बावजूद बीत करके भी हम लोग का साबुर था, इसके बाद इन्हीं साल 22 में इन लोग का एडमिशन होना चाहिए था, इसमें भी देखते देखते अभी अक्टूबर भी जा रहा है, तो इसलिए हम लोग का मांग है ताकि पिटकुरिया जबकि एकलव्य मंडल स्कूल जल्दी से खुल जाए और मास्टर का भी हमारा। चलिए, यहाँ के जो इसके अभिभावक है उसका भी कहना है कि पिटकुरिया स्कूल जल्द से जल्द खुले, वहाँ पर शिक्षकों की बहाली हो ताकि इसके जो बच्चे हैं वो पढ़ सके। ये इतने गरीब है कि धरना स्थल तक आने के लिए कई वर्ष तक का इसको इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि भाड़ा का पैसा नहीं है। और 35 साल से जो भस्मासुर टाइप का विधायक बने बैठा हुआ शिकारी पड़ा का, उसको तो इससे लेना देना है ही नहीं, क्योंकि उसके बाल बच्चे तो यहाँ पढ़ते नहीं, अमेरिका इंग्लैंड नागालैंड जहाँ पढ़ना पड़ते हैं, लेकिन इसके बच्चे तो यही पढ़ेंगे। भविष्य अंधेरा झारखंडियों का है, झारखंड के बच्चों का, ना नेता का है ना अफसर का है। और एक कुछ गार्जियन हैं, उनसे पूछते हैं कि वो लोग कहाँ से आएँ? ये पाकुड़ जिला से आएँ, बताइए, संथाल परगना के तमाम जिला से लोग बच्चे लोग आए हुए या धरना बैठे हुए? जामताड़ा जिला से आया हूँ। आप जामताड़ा जिला से क्या के लिए आए थे यहाँ? मेरा नाम है सुशील सरन, मेरा बच्चा जो है जो छोड़ दिए, उसको छोड़ दिए। मेरा बच्चा का नाम है अंकित सरन, वो बच्चे को, मेरा बच्चा जो भारत आश्रम ये दुमका जिला में पढ़ रहा था, स्कूल में पढ़ रहा था, तो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के नामांकन के लिए वहाँ से प्रतिज्ञा फॉर्म अप्लाई किया, परीक्षा हुआ, तो परीक्षा में जब शामिल हुआ उसका सेंटर कठी क्या बोला यहाँ जो पर्वत विहार वहाँ सेंटर हुआ, परीक्षा दिया तो उसमें मैं सिलेक्शन हुआ, तो जब सिलेक्शन हुआ तक उसका लिस्ट कठी मैंने इसमें स्कूल में आया है पिटकुरिया में, तब जब हुआ लिस्ट देखे तो तब तो नामांकन वहाँ कराना पड़ेगा बच्चा को, हम वहाँ स्कूल से आश्रम सेवा आश्रम स्कूल है तो अपना वो जो टीसी ले लिए, बीओ को सब सत्यापन वर्तन वगैरह करवाए, उसके बाद हम दौड़ के आए कल्याण विभाग, तो कल्याण विभाग में बच्चा अभी तो है, वो स्कूल है काठीकुड़ में है, तो होगा अभी एडमिशन, वो हम लोग का आदेश आएगा तो आप लोगों को बुला लेंगे। तो ऐसे करते करते 2-3 बार हम आए यहाँ, मेरा तो सर्टिफिकेट सब कुछ बना के रख के घर में, तो जब एक बार हम दौड़ के चले गए स्कूल तक, तो हम पहुँचे स्कूल तो देख लें कहाँ होगा कि नहीं होगा, ना झूठा मूठा है, हम तो वहाँ से सर्टिफिकेट ले लिए हैं। तब तो घूमते घूमते बाज़ार में हम कैसे, बाज़ार में तो पता चला नहीं, पूछा पूछने के इधर उधर हम भटके, पता ही ना चले स्कूल कहाँ है, तो जब आने के वक्त एक स्कूल में वो एडमिशन हुआ कि नहीं अभी बच्चा कब का? कहाँ हुआ एडमिशन? अभी कहाँ है आपका बच्चा? मेरे बच्चे घर में है, अभी पढ़ाई कर रहा है कि नहीं अभी? उसमें तो स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ, तो घर में पढ़ा। चलिए, ऐसी स्थिति है कि वादा किया, एग्ज़ाम लिया, एग्ज़ाम लेने के बाद भी आज पढ़ाई नहीं हो पाई है, ऐसे में तमाम जो है छात्र 120 छात्र लगभग उनका जो भविष्य जो है अंधकार में है।
अब यहाँ के जो शिक्षा मंत्री क्या करते हैं, कल्याण विभाग वैसे ही गिरा हुआ है जैसे तमाम जो है स्कूल के भवन गिर रहा है, और यहाँ पदाधिकारी का मोरल वैसे ही गिरा हुआ है जैसे उसका काम, आप तो समझ सक रहे हैं। ऐसे में तमाम बच्चे आज यहाँ धरने बैठे हुए हैं, यदि इसका जो इसकी मांगे जो है वो पूरी यदि नहीं होती है तो आगे बच्चे लोग और क्या करते हैं, आप लोग देखते रहिए। और ताए भी बैठी हुई अपने बच्चे के भविष्य को संवारने के लिए, तो माता आप बैठ जाइए पहले। क्या नाम हुआ आपका? सविता टुडू। आप कहाँ से हैं, कौन जिला से? देवघर जिला। देवघर जिला से यहाँ है धरने बैठे हुए हैं। तो आपका बच्चे का नाम क्या है? अमरनाथ मरांडी। क्या हुआ, उसका भी एडमिशन नहीं हुआ अभी? नहीं। क्या बोलता है क्या कल्याण विभाग? क्या बोलेगा, एडमिशन होगा, जब होगा ना तो आप लोग को बुलाया जाएगा। यही चलिए यहाँ पर भी बोला जाता है कि एडमिशन होगा, और देखिए महिला होकर के यहाँ से 70-80 किलोमीटर दूर देवघर से आकर के धरने बैठी हुई, केवल एक ही मकसद है, अपना बच्चा का जो है भविष्य को बनाना है। आश्वासन दिया जा रहा है 2 साल से कि नामांकन होगा, स्कूल का भवन बना हुआ है, लेकिन पढ़ाई केवल चालू नहीं हुआ। आश्वासन और भवन के बीच यदि कोई पीस रहा है तो इस बच्चे का इन बच्चों का भविष्य पीस रहा है, और इन बच्चों का भविष्य को संवारने का वो जिम्मा है वो पूरी सरकार के ऊपर में। लेकिन सरकार की जो ऐसी स्थिति है निरंकुशता वाली, उदासीनता वाली, कब ख़त्म होगी पता नहीं।